पे माननीय सीएम साहब और असी इलेक्शन इसे करके लड़िया से भी असी अपने प्रदेश में नशा मुक्त बनाई जिदे लोगों ने साडा बहुत ज़्यादा साथ दिता कि वाकई एक तो पता लगता है कि लोग ये चीज़ चाहते से भी नशा दूर हो। जिस तरह कि तुम सब पता ही है भी पहलिया सरकार के जोड़े नुमाइंदे है वो कई बार असं देखते रहे भी वो नशा वेचन दे मशहूर रहे हैं तो लोगों उन्होंने विश्वास घट से इस करके उन्होंने लीडर कभी फोन नहीं लिया। पर आम आदमी पार्टी का जो विजन है नशा दूर करना मैं तो यही लगता है कि लोगों ने साढ़े उत्ते भरोसा दिखाया भी हो सकता है कि असं आम आदमी पार्टी के जेडे एम एल ए बने हैं इन्होंने भरोसा करिए भी इन्हों भी एक बार फोन करके देखिए भी ये भी नशा पकड़ाते हैं कि नहीं पकड़ाते। इसी सोहनी पहल में देखते हुए उन्होंने सानू फोन किया मेरे कोई देशभक्त कोई होना जिन्हें मैंने फोन किया कि सर इस तरह नशा इतों आ रहा तो तुम प्लीज़ इन जरूर चेक करो। तो मानयोग मैं सी पी साहब को फोन किया उन्होंने फिर अगों ड्यूटी लगाई मेरे छोटे ब्रदर्स की क्योंकि जो पुलिस मैदान भी अपने भरा ही ने इन्हों की ड्यूटी लगाई नवदीप जी से और एक सब इंस्पैक्टर से उन्होंने अगों जाके नशा पकड़ा बड़ा अच्छा काम किया। और मैं ये मैसेज भी देना चाहना लोगों भी भाई हूँ जोड़े एम एल ए ने वो भी एक पब्लिक सर्वेंट ही ने कोई इदा दी जिन्हों सू कह सकते हैं पुलिस को कह सकते हैं जिन्होंने भी कहोगे उन्होंने हर गलू शहर के आधार पर सुनिया जाएगा क्योंकि जोड़े पहले एम एल ए ने वो तो पता ही है पर जोड़े आम पब्लिक के एम एल ए ने क्योंकि साडा रीजन ही पहला यह सर कि असं नशा दूर करना इस करके उन्होंने ज मैनू कर लिता या साडे पुलिस वीर कर दिता गल एक ही कोई ऐसी गल नहीं मकसद साडा एक ही है नशा दूर। देखो मैं स्पीड नवा वा मैं पेपर जो लिखते हैं अभी तो उही पढ़ते हैं जी तुम लिख रहे हैं कि वह नशा बेचते थे पुराने लीडर जो अंदर भी किए हुए हूँ सरकार ने ठीक है ना। हाँ जी तुम लिखते ही अखबारों के लिख रहे कि नशिया के लीडर है मैं कह की लड़ थोड़ी रहने एमएलए बन गए मैं साहब मैं तुम्हें दसिया कि मेरा काम कपड़े का कारोबार है मैं कारोबारी बंदा जी सर पीआर टीम बहुत अच्छी है तुम्हारी पीआर टीम बहुत अच्छी है अपडेट तुम्हारी देखते रहे बट इस चीज़ बारे भी तुम जानू करा हुए देखो सुनो मेरी गल मेरा जो पहला देखते मेरा कुछ फीड हो सकता मेरा धार्मिक फीड है मेरा धार्मिक फीड से पर हम जिस तरह मैं लोगों से जाना सब तो जी बड़ी गल एक ही है ना मेरे हूँ लोगों के मन के भरोसा जाग चुका भी आम आदमी पार्टी के जोड़े लोग है ना जेडे विजन में लैके आए थे विजन करते पे से हूँ तुम पिछले मेरी एक्टिविटी भी देखी होनी है लोग मैं फोन करते हैं क्योंकि मैं पहला भी जोड़ा मैं एक जगह के उत्ते स्कूल गया जिते गाले के उत्ते ही कूड़े के उत्ते ही सड़क बनाई जा रहे थे उन्होंने भी मैं वीडियो बना के भेजी सी मैं उस वीडियो के आधार के उत्ते गया जो ये चीज़ मैं की तो लोगों को भरोसा हो गया कि यह बंदा कर सकता कुछ उन्होंने इसे करके मैं फोन कर दिया भी ये भी देखिए भी ये भी कर सकते नहीं कर सकते हूँ कल कुछ गलत कोई काम होगा तो फिर आप मैं फोन जो मैं एक्शन लूँगा तो मेरे मैं नशे का मुद्दा एक होर कॉन्स्टिट्यूएंसी का है वो भी थोड़े छोटे भरा ने कि वे भरा बने हुए हैं तो वो नहीं है ना आए थोड़े इस चीज़ में लैके उत्थे भी बड़ा ही ये चीज़ हाईलाइट है मेरे भरा है वो भी फंड लोगे चिंता नहीं ये जड़ी आज असी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये असी इसलिए कर रहे हैं बेसिकली कल पुलिस कमिश्नर जलंधर नू एक वड़ी सफलता मिली सी कि जड़ा नशा विरोधी मुहिम सरकार वालों चलाई जा रही है एंड ये इस करके जॉइंटली इसी कर रहे हैं बिकॉज इट वॉज अ जॉइंट एफर्ट इहदे च जड़ी इनपुट पुलिस कमिश्नर जलंधर नू मिली सी कि दैट वॉज फ्रॉम द एम एल ए सेंट्रल मिस्टर अमन अरोरा उन्होंने सानू इनपुट दी सी कि एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनपुट जिहड़ा साडा एस ओ यू है स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੈਟ ਇਨਪੁੱਟ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ 6 ਬੰਦੇ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 62 ਹੈ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਥਾਣਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਆਫ NDPS ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡਲ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਚੰਦੂ ਰਾਮ ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਔਰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਪਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਚਲਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀਸ ਪੀਪਲ ਕਮ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨੈਕਸਸ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡੇ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਡਸ ਓਪਰੈਂਡੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਨੇਰਾ TV ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਾਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।